वालेकुम व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग आज मैं अपने किचन में आप लोगों के लेकर आई हूँ लब्बे शरी की रेसिपी तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने ले है दो लीटर दूध दो पैकेट क्रीम के दो पैकेट जेली के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी और बनाना लिया है एक कप हम रंगीन सेवैयों का लेंगे एक कप हम चीनी लेंगे कॉकटेल वन कप ड्राई फ्रूट हम लेंगे हाफ कप और सिक्स टेबल स्पून हम वनीला कस्टर्ड का लेंगे अब एक बाउल में हम क्रीम को डालेंगे इसमें कॉकटेल शामिल कर देंगे और जो ड्राई फ्रूट मैंने लिए थे बादाम अखरोट और काजू इसको आप डाल देंगे और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रख देंगे अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके ठंडा होने के लिए आपने फ्रिज में रख देना है अब हम एक की लेंगे उसमें हम दूध शामिल करेंगे जब हल्का गर्म हो जाए तो इसमें हम सवैया डाल देंगे और इसको चमचा चला लेंगे जब उबाल आ जाए तो हम इसमें अब चीनी शामिल कर देंगे दूसरी तरफ हम कस्टर्ड जो मैंने लिया था सिक्स टेबल स्पून इसमें हाफ कप हम पानी का डालेंगे और इसको घोल लेंगे ऐसे आपने घोल लेना है अब देखें हमारी सवैया बिल्कुल गल गई हैं इस तरह नरम हो गई हैं जब ये नरम हो जाए तो फिर आप इसमें अब कस्टर्ड डाल दें और साथ साथ चमचे को चलाते जाएं। आप इस कस्टर्ड को बनाने के लिए लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें या स्पैचुला स्टील का चम्मच यूज़ ना करें अब देखें जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए तब तक पकाते जाएं और आंच को मीडियम ही रखना है तेज आंच नहीं करनी ताकि नीचे से जल ना जाए कस्टर्ड इसको अच्छी तरह आपने पका लेना है ये अब हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया है गाढ़ा हो गया है आपने इतनी ही कंसेंट। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे कस्टर्ड को ठंडा करके आपने इसके अंदर जो कॉकटेल क्रीम हमने बनाई थी ये शामिल कर देंगे गर्म में आपने नहीं डालनी है। कस्टर्ड ठंडा हो जाए फिर शामिल करना है अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये कस्टर्ड में मिल जाए सारी चीज़ें देखें ऐसे आपने सब चीजों को मिक्स कर लेना है अब हम एक बाउल लेंगे इसके अंदर पहले एक जेली की लेयर लगाएंगे फिर हम कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे से आपने सारे लेयर्स लगा लेनी है और आखिर में आपने जेली की लेयर लगा ली है तो वीबर्स ये थी आज की मेरी रेसिपी लबे शरी की तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें ओके अल्लाह हाफिज़